ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में इसने ख़ुद को ही एक्सपोज किया है कि ये ब्लॉगर नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। जिस तरह से ये आज इसने स्क्रिप्ट लिख कर बता दिया है कि ये हर चीज़ के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करती है, उसी तरह से इसके व्लॉगिंग में भी नज़र आता है कि यह हर एक चीज़ को झूठ झूठ बोल के और स्क्रिप्ट लिख कर ये खींच रही है अपने ब्लॉगिंग को, क्योंकि इसके पास कुछ कंटेंट है नहीं। तो अब ये बिल्कुल गंदगी पर उतर आई है, बिल्कुल मतलब नाच गाने में उतर आई है बीवी नंबर वन। तो ये काम वाली बाई ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि कहीं पे भी आप इंडिया में भी अगर देखें तो कोई भी बीवी इस तरह से अगर करे ना तो उसका शौहर जो है ऐसी चपेड़ मारे कि वो ज़िंदगी में कभी साड़ी भी ना पहने और ना ही गजरा लगाए। तो इसका मतलब कुछ वो नहीं रहा कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दिया। जब सबा के इसने कॉपी की थी तो इसने क्या बोला था कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, तो फिर अल्लाह ने इससे हिदायत छीन भी ली। क्योंकि अल्लाह जिसे मतलब जो हिदायत की तरफ आता है अल्लाह उसे हिदायत देते हैं, और जो उस चीज़ से दूर होता है तो उस चीज़ को भी छीन लिया जाता है। तो इससे अल्लाह ताला ने हिदायत छीन ली, क्योंकि ये गंदगी की तरफ जा रही है ना। इसके ज़ुबान पे कभी अल्लाह का नाम ना ही मतलब, जब इसको मतलब होता है हर इंसान को भी यूज़ करती है और अल्लाह के नाम को भी यूज़ करती है ये उसी तरह से। तो एकदम बेहया बेशरम हो चुकी है, इसको कोई शर्म नहीं। अच्छा, ये उधर सलमा का घर भी बर्बाद करी, अभी तक ये सलमा के पीछे लगी हुई है, असगर के पीछे लगी हुई है। जिस तरह से वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि असगर आजकल पूरा मुंह फुला के बैठा हुआ है और डाइटिंग वाइटिंग चल रही है, सलमा की तबीयत ख़राब चल रही है, तो ये सब जो दिखा रही है ना, ये साड़ी पहन पहन के और गोरा तन चांदी जैसा तन, तो ये तन किसको दिखा रही है, किसने देखा है इसका तन, या फिर किसी को दावत दे रही है कि आओ मेरा तन देखो। मतलब बेशर्मी के हर हद इसने पार कर दी, कोई हद नहीं रही इसकी बेशर्मी की। और ताज्जुब तो लगता है उन लोगों पे जाके कमेंट करते हैं कि वाह क्या अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छा मतलब साड़ी का लुक है, क्या लुक है। तो अप्रिशिएट करते जाके, तो असल में वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे इसको गुनाह की तरफ ढकेल रहे हैं, गुनाह की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं कि ये जितना मतलब अगर हकीकत समझे जाए ना तो वही लोग हैं जो इसको बर्बाद करेंगे, आखिरी तक लेकर जाएंगे इसको। क्योंकि अभी इसका एंड हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है, अभी होगा बहुत बुरा एंड होगा जिस तरह से ये दिखा रही है। अच्छा, इतना मतलब अभी इतना पाक महीना, हज का महीना है, लोग हाजी वहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर दूर से कितनी मतलब मशक्क़त करके हाजी वहाँ पहुँच रहे हैं, सारे अरकान वहाँ शुरू हो चुके हैं। गाज़ा में कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना इसके जो रिएक्शन देने वाले उनको किसी चीज़ की परवाह, बस रिएक्शन देने वालों को इसकी जो सपोर्टर हैं उसको यही परवाह है, यही फिक्र है कि बस ये चलती रहे, किसी तरह से चलती रहे, चाहे ये गलाजत दिखाए, चाहे गंदगी दिखाए, कुछ भी दिखाए, बस इसका चैनल चलता रहे ताकि उनको उनका भी चैनल चले ना, इसके इसमें उनके घर में भी रोटी सेके, बस इसकी वजह से वो लोग इसके पीछे लगे हुए। वरना हम ही जो आकर कमेंट करते हैं ना, आपको सितारा के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है, फलाना ढमकाना, बहुत सारा गंदे गंदे कमेंट भी आकर जो करते हैं, अब जाकर करें उसके कमेंट के नीचे कि ये कमर मटका मटका के किसको दिखा रही है, ये जो गोरा गोरा तन चांदी है सतन जो तन 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 में इसके आग लगी हुई है, ये किसको दिखा रही है, जाके सवाल करें, जाके कमेंट करें। तो वो तो अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता है, इधर उधर जाके खाली कमेंट करते हैं। तो ये उसको बढ़ावा दे रहे हैं, असल में उसको बढ़ावा दे रहे हैं वो अभी, क्योंकि उसको बढ़ावा तो ऑलरेडी मिल चुका है जिस तरह से सलमा अपनी चीज़ों को लेकर आई थी, तो वो बच चुकी है इस चीज़ों से, वो बरी हो गई, उसको मतलब कुछ नुकसान तो हुआ नहीं उसका। तो उसने देखा कि अभी मतलब उसको अशय मिली एक तरह से कि और करो। अच्छा, शौहर तो बिल्कुल अंधा है, उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको सिर्फ डॉलर चाहिए, बीवी का कपड़ा उतर जाए कुछ हो जाए उसको कोई परवाह नहीं है। जिसकी बीवी के बारे में ख़ुद उसकी बहन आके इतनी बड़ी बात बोल के गई, उसके कौन का इंसान जो एजाज शाह है वो इसके ऊपर इतनी बड़ी बात बोल कर गया, इसकी बेटी को अपनी बेटी बोल कर गया,
उसके बाद इसकी बेशर्मी कम ही नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जिस तरह से ये रील बनाती है, किसको मैसेज दे रही है ये रील बनाकर, क्या बेवकूफ़ हैं लोग? लोगों के आँख पे पर्दा पड़ा हुआ है या दिमाग पे पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ तो किसको दे रही है ये मैसेज? तो सब जान रहे हैं, इसके सपोर्टर भी समझ रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टर जिसको इससे फ़ायदा हो रहा है जिनको, तो उसको तो कोई नुकसान है नहीं। ये कुछ भी करे, ये इसका मतलब जितना भी घटियापन दिखाए दिखाए ये तो। अच्छा, करिश्मा कपूर बनी हुई है, करिश्मा कपूर बन के जिस तरह से सीना निकाल निकाल के साड़ी के बाहर दिखा रही है, फिर झुक कर पोछा मार रही है, मतलब हद से ज़्यादा ये औरत नीचे गिर गई है, हद से ज़्यादा। इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे के चेहरे पे आप देखें, बच्चे जब बैठे हुए हैं इसके, उस किसी के चेहरे पे ना हंसी मुस्कुराहट नहीं, बच्चे एकदम सीरियस होकर देख रहे हैं। तो ये तो होने वाला है कि जब बच्चे इसके बढ़ेंगे ना, खुद ही इसके इसको लात मारेंगे, इसको कैसी औरत है ये। खुद ही इसका ससुर है घर में, फिर इसका जो नौकर है घर में वो है, तो उसके सामने ये उससे तारीफ़ करवा रही है, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, इसको अब सोनाक्षी सिन्हा बनना है, मलका जान बनना है इसको। तो करारा शरारा और नाक चिदा कर ये रेडी है पूरी तरह से, अब अगला एक्ट वही करेगी। और ये एक्ट नहीं कर रही बल्कि किसी को मैसेज दे रही है, और फिर व्यूज़ भी इसके मतलब देख रही कि मैं किस तरह से इम्प्रूवमेंट लगी हुई है, क्योंकि सलमा ने इसका जो व्यूज़ था 1 मिलियन वाला, इसको पे पानी फेर दिया इसको, तो तब से ये लगी हुई है नीच नीच हरकत करने पे कि क्या ऐसी नीच हरकत करूं कि इसका 1 मिलियन पे इसका व्यूज़ जाए। तो वो करेगी, हर मतलब हर हद पार करेगी। अच्छा, कौसर को लोग बोल रहे हैं कि कौसर को ये मैसेज दे रही थी, कौसर को क्यों ये मैसेज देगी? कौसर को ये कोई मैसेज नहीं दे रही है, इसको ये जिसको मैसेज दे रही है उसको सब नज़र आ रहा है कि किसको मैसेज दे रही है। कौसर का तो नाम यूज़ कर करके ये व्लॉग बनाती, जिस दिन कौसर का नाम ना यूज़ करे इसका व्लॉग बने ही नहीं। तो कौसर को वहाँ पे कौसर भी आएगी आगे, सामने आएगी, इसका जो भांडा है सब फूटेगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन, जिस तरह से ये लोगों के साथ खेलती है। अच्छा, इसको ज़रा भी शर्म नहीं है कि इसके ही ख़ानदान के सारे मर्द इसका वीडियो देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, तो मतलब इतना कमर मटका रही थी, इसको शर्म नहीं आती, इसके शौहर को शर्म नहीं आती है कि हाँ क्यों इस तरह से इस तरह की हरकत करती। जिस बीवी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लग जाए ना, हकीकत नहीं भी हो, इल्ज़ाम भी लग जाए ना, तो भी वो शौहर अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में करके रखेगा कि इस तरह की हरकत मत करो, तुम्हारे पर और भी बातें उठेंगी, फिर और भी ऑलरेडी तुम्हारे पर इतनी सारी बातें चल रही हैं, इतने सारे मैटर सामने आए हैं, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। ये लोग बस एक होता है ना, जो बेचारे बहुत गरीब रहते हैं तो वो बहुत मजबूर हो जाते हैं कि आके रोड में तमाशा दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चे को लेकर, और खुद हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बस इसका वही हाल हो चुका है, पैसे रहकर भी ये फ़कीर है और फ़कीरी रहेगी। लोग बोलते हैं इससे जलन है, जलन है, जो रिएक्शन बनाते हैं हेट में, जलन नहीं है, ये जो कर रही है ये, आप बता दो कौन सा यूट्यूबर है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, जो ये कर रही है, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम भी है ना, तो वो भी इस तरह की हरकत नीच हरकत नहीं कर रही है, क्योंकि मैं ख़ुद इंडिया की हूँ, मैं इंडिया में देख रही हूँ जो व्लॉगिंग कर रही हैं जो भी लोग हैं, लेकिन इंडिया के ही लोग जो हैं इसके पास जाके कमेंट करते, कुछ लोग, सब तो नहीं है, सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग हैं, क्योंकि चाहते हैं वो बर्बाद हो, उसको बढ़ावा मिले बस इसके लिए। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह इसको हिदायत दे। मेरी वीडियो यहीं तक थी, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।